नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुड़ी की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। साथ ही महाराष्ट्र में आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियां जोर आजमाइश करने में लगी हैं। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, तो सीधा आपको लिए चलते हैं। उनके समय में युवा प्लान करता था, आज मिशन रोजगार के अंतर्गत उस नौजवान को रोजगार मिल रहा है। उनके समय में बहन और बेटी का सम्मान नहीं था, सुरक्षा भी नहीं थी। आज सुरक्षा भी है और सम्मान भी है। उस समय ग्रीन ईंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी, आज एलपीजी का सिलेंडर हर घर में पहुंच गया है। बहनों और भाइयों, 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हर वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मोदी जी ने उपलब्ध करवाने की बात कही है। विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है और कैसे अपनी विरासत को हम सुरक्षित रखते हैं, विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। बहनों भाइयों, मैं जब अयोध्या की बात करता तो फिर मैं वही आता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों तक हमें अपमान क्यों झेलना पड़ा था? अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर यह अपमान हिंदुओं को क्यों झेलना पड़ा था? इसलिए क्योंकि हम बटे थे और इसीलिए कटे थे, इसीलिए अपमान सहना पड़ा था। और आज जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में मैं प्रदेश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया और 2019 में समस्या का समाधान हो गया। 500 वर्षों का समाधान, कांग्रेस समाधान नहीं चाहती थी। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस ही कहते थे कि कृष्ण हुए ही नहीं। जैसे कि राम और कृष्ण नहीं हुए, केवल एक कांग्रेस ही पैदा हुए हैं, बाकी और कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये देश के इतिहास को अपमानित करने का प्रयास है और जो लोग देश के इतिहास को अपमानित करने का कुचित प्रयास कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का यह अच्छा मौका है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्या भव्य स्वरूप ले चुका है। पहले काशी में मात्र 15 से 20 श्रद्धालु मात्र दर्शन कर पाते थे एक साथ, और आज मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, 50,000 श्रद्धालु एक साथ एक समय दर्शन कर सकता है। 50,000, जहां 50 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे, आज 50,000 लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। ये नया भारत है बहनों और भाइयों, ये नया भारत सबका साथ और सबके विकास के भाव से तो काम करता ही है, सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि की गारंटी भी देता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि लोकसभा चुनाव की गलती नहीं होनी है। सहमत है ना? फिर से यहां पे याद रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा, जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर
यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा, तभी पे ना माने वाला देना भाई। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, देखो आज यूपी में कोई नवजिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। वहां कितने वहां बड़े दुर्दांत माफिया थे, पहले यूपी में बड़े बड़े दुर्दांत माफिया थे। पिछली सरकारें उन्हें प्रश्रय देती थी। एक दुर्दांत माफिया को तो कांग्रेस ने कई महीनों तक अपनी एक राज्य सरकार के अधीन उसको सुरक्षा कवच पहना के रखा। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़े और आज ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। राम नाम सत्य है, हो गया सत्य। और इसीलिए बहनों और भाई भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप मुझे बताओ अयोध्या में रामलला विराजमान होने के बाद यहां अचलपुर से कितने लोग अयोध्या राम दर्शन करने के लिए गए हैं? अभी कम लोग गए हैं। और मैं यहां पर प्रवीण तावड़े जी से और नवनीत राणा जी से कहूंगा, अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए लेके आइए इन लोगों को, चुनाव के बाद लेकर के आइए। वहां की व्यवस्था हम देख लेंगे, वहां चिंता की बात नहीं। बहरा भाई आप भी देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। नए भारत का नया अयोध्या, नई अयोध्या। 500 वर्षों के बाद इस अयोध्या के लिए कभी खून बहाना पड़ता था, आज अयोध्या देश और दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। आप भी देखेंगे, नई अयोध्या के दर्शन करेंगे, आपका मन भी प्रफुल्लित होगा कि हमारे प्रभु राम कितने भव्य अयोध्या में आज रह रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इस चुनाव में आर पार का फैसला लेना है। और आर पार के फैसले में भारतीय जनता पार्टी का महायुति गठबंधन भारी बहुमत से विजयी बने, डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के अंदर आए। इसके लिए अचलपुर से श्री प्रवीण ताड़े जी को, मेलघाट से केवल राम काले जी को और मोर्शी से श्री उमेश यावलकर जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके इन्हें बना के भेजना। सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर सड़क के पार, उधर उस सड़क के पार, इधर सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लगाकर के फिर मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ लगाकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को दिल्ली में पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के आवास पर IGAAS कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने इगास पर्व मनाया और पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई दी है।
आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने इगास पर्व मनाया है, जो कि आपको बताते चलें कि जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है, सांसद अनिल बलूनी की आवाज पर यह पर्व मनाया गया है। उत्तराखंड संस्कृति की यहां पर झलक देखने को मिली है। आपको बताते चलें कि इगास पर्व की धूम देखने को मिली, जहां पर सांसद अनिल बलूनी की आवाज पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इगास कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। और आपको बताते चलें कि उन्होंने इगास पर्व मनाया और पूरे उत्तराखंड वासियों को, तो इगास पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जहां पर दिल्ली में पाड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की आवाज पर इगास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने इगास पर्व मनाया और पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई भी दी है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं झारखंड के बगोदर, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं और संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सुनाते हैं आपको। विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के वीर वीरांगनाएं, हमारे झारखंड के भाई, जिनका इतिहास इस बात के लिए जाना जाता है, चाहे अंग्रेजों का राज था चाहे अन्य का राज था, हमारे वीर वीरांगनाओं ने अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका है और अब समय आ गया है कि यही वीर वीरांगनाएं इस बार झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को उखाड़ फेंकेंगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाएंगी। मित्रों एक बात याद रखना, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आपकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए और 20 तारीख को नागेंद्र बाबू को चुनाव जिता करके आपको भेजना है और झारखंड के मुख्यधारा में आपको आगे आने में पूरी ताकत लगानी है। मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के शासन को आपने देखा है। अन्नपूर्णा देवी जी आज भारत सरकार में मंत्री हैं, मोदी जी के नेतृत्व वाले में चलने वाली सरकार में, तीसरी सरकार में। आप समझिए किस तरीके से हर स्थान को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने 10 साल उनके काम के तरीकों को देखा है, जो कहा है सो किया है, जो नहीं कहा है वो भी करके दिया है। ये मोदी जी की सरकार है, इसको हमको याद रखना। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मोदी जी की सरकार की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात को हमको समझना होगा। मित्रों मैं यहां आप सबसे इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि चाहे हमारे आदिवासी भाई हों, चाहे हमारे ओबीसी भाई हों, चाहे हमारे अन्य समाज के भाई हों, सबको बराबर की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारे आदिवासी भाइयों को, जिनको वर्षों से उपेक्षा हो रही थी, उनका बजट मोदी जी ने 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। हमारे आदिवासी भाई जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा करते थे, जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, जो दूर दराज गांव में रहते थे, उनके बच्चों को रेजिडेंस के स्कूल में लाकर पढ़ाने के बजट को 21 गुना बढ़ा दिया, ताकि हमारा आदिवासी भाई का कोई बच्चा पढ़े लिखने पर से वंचित न रहे, उसको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए, इस बात को किया गया। हमारे आदिवासी भाइयों की उपज, पहले 10 उपज पर एमएसपी मिलती थी,
आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 90 उपज पर आदिवासी भाइयों को एमएसपी देने का काम किया, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए प्रधानमंत्री जनमन के तहत उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनको गांव में पीने का पानी, उनको गांव तक पहुंचने वाली सड़क, उनको खेती में सुविधा, इन सारी बातों के लिए अलग से 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके उस काम को आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ हमारे ओबीसी भाई, हमारे पिछड़ा भाई, जिनकी उपेक्षा होती थी, कभी सोचा नहीं था कि इनकी भी, इनको भी हम मुख्य धारा में लाएंगे। आजकल ये राहुल गांधी ओबीसी 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 कहता है, ये काका कालेलकर की रिपोर्ट पर बैठे रहे, इनके दादा, इनकी दादी, ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर बैठी रही इनकी दादी, ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर बैठे रहे इनके पूज्य पिता, इनको तब ओबीसी की चिंता नहीं रही, तब इनको ध्यान में नहीं आया कि पिछड़ा वर्ग है, अगर पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया तो जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार थी तब हुआ, और आगे बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि ओबीसी कमीशन, अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, पिछड़ा वर्ग का कमीशन, इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत की संसद में तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने इस काम को किया, और जब अन्नपूर्णा देवी मेंबर पार्लियामेंट बनकर के इस काम को पूरा कर रही थी, तब जाकर के काम हुआ है। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि एससी एसटी इनकी रिजर्वेशन को यथावत रखते हुए हमारे ओबीसी भाइयों के लिए 27% का आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में दी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी, इस बात को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। मैं यहां यह भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ रहा है, इसको आप जानिए। और हम चाहते हैं कि यही तेजी झारखंड में भी आनी चाहिए। बताइए, जब नागेंद्र बाबू एमएलए थे और हमारी डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास थे, तो यहां 52 सड़कें बनाने का काम नागेंद्र बाबू ने किया था कि नहीं किया था? विकास का काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जरा जोर से बोलो भाई, किया था कि नहीं किया था? पानी पहुंचाने का काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? गांव तक सड़क बनाने का काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ये जो माले के प्रतिनिधि आए, इन्होंने खून खराबा को ही आगे बढ़ाया और आपके काम को ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में जब हम सरकार की बात करते हैं तो दुनिया में कोरोना के बाद अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, जापान की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, लेकिन दुनिया में अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और अन्य संस्थान बोलते हैं तो उनको उजाला कहीं दिखता है, ब्राइट स्पॉट कहीं दिखता है, तो वो भारत दिखता है जो पूर्व दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ा दिया गया है, 5 गुना। स्टील के, इस्पात के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। एक समय में हमारे खिलौने भी चाइना से आते थे, हमारे गणेश भगवान भी दीपावली के दिन में और लक्ष्मी माता भी दीपावली के दिन में चाइना से बनकर के आते थे। आज भारत खिलौने बनाने में दुनिया में 3रे नंबर का एक्सपोर्टर बन गया और आगे बढ़ चला है। ये आज हमारी परिवर्तन है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आज गांव गांव में बताओ, मोटरसाइकिल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है?
बोलो गांव गांव में लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर की क्या मार्केट बन गया, तीसरे नंबर का मार्केट बन गया। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखने का काम, और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 10 सालों में 19 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इसी तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपसे करना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और नीति आयोग इस बात को बता रहा है कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, वह गरीबी से निकल चुके हैं। कितने लोग हैं? 25 करोड़ लोग। और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। क्यों हुई है, कैसे हुई है? यह इसलिए हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है, और गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। कोई भूखा नहीं है, कोई भूखा नहीं है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2,60,00,000 लोग झारखंड के हैं जिनको प्रति माह 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 5 किलो और 1 किलो आटा, 1 किलो नमक इस देने का काम हो रहा है, दाल देने का काम हो रहा है। उसी तरीके से यहां 21 लाख लोग हैं आपके जिले में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठा रहे हैं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत जिसकी शुरुआत रांची से प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, आज हमारे 55 करोड़ लोग 5 लाख रुपए का सालाना, हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। और इसलिए अब किसी भी गरीब व्यक्ति को इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ रहा है। और अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 अक्टूबर को यह तय कर दिया कि इस देश में जो भी महिला किसी भी जाति की, किसी भी इलाके की, जो भी बुजुर्ग किसी भी जाति का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, उसको सालाना तो जिंदगी के अंतिम सांस तक उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।